हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल जीत एजुकेशन। अगर आपने हमारी चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे चैनल के इंग्लिश ग्रामर के वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और अपने फ्रेंड के साथ शेयर ज़रूर करिए। सो टुडे वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट प्रोनाउन। आज जो हम पढ़ने वाले हैं उसका टॉपिक है प्रोनाउन। सो प्रोनाउन क्या होता है, कितने टाइप्स के प्रोनाउन है, वो हम इस टॉपिक में आज पढ़ने वाले हैं। तो आप इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा वीडियो। प्रोनाउन हाउ टू यूज़ इन सेंटेंस, मतलब प्रोनाउन को सेंटेंस में कैसे यूज करते हैं। और उसका जो फर्स्ट टाइप है पर्सनल प्रोनाउन, वो हम आज पढ़ने वाले हैं। और ये टॉपिक पढ़ने से पहले आप नाउन का वीडियो देख लीजिए ताकि आपको पता चले कि प्रोनाउन क्या होता है और ये अच्छे से समझ में आए। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमारे दिमाग में एक ही क्वेश्चन आएगा, व्हाट इज़ प्रोनाउन। ठीक है, प्रोनाउन क्या है। तो बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में समझते हैं कि प्रोनाउन जो है वो, अ प्रोनाउन इज़ अ वर्ड यूज्ड इन प्लेस ऑफ ए नाउन। प्रोनाउन क्या है, जो नाउन है उसकी जगह पे, मतलब उसके प्लेस पे यूज़ होने वाला वर्ड है। ठीक है, तो देखो मैंने पहले ही बोला था कि नाउन आपको पता होना चाहिए कि नाउन क्या है। अगर आपको नहीं पता है तो मैं बता देता हूँ कि नाउन इज़ नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग, मतलब कोई भी पर्सन हो, प्लेस हो या थिंग हो, उसका नाम, उसी को हम बोलते हैं नाउन। ठीक है, तो किसी भी दुनिया में चीज़ का नाम, उसको बोलते हैं नाउन। मतलब कि नाम की जगह पे यूज़ होने वाला वर्ड, इसको हम क्या बोलेंगे, प्रोनाउन। ठीक है, समझ में आ गया प्रोनाउन क्या है। कोई भी नाम आता है उसकी जगह पे जो हम वर्ड रखते हैं उसी को बोलते हैं प्रोनाउन। ठीक है, चलिए देखते हैं एग्जांपल में। जैसे मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल दिया हुआ है, राम इज़ अ स्टूडेंट, राम लिव्स इन सूरत। देखो राम स्टूडेंट है और राम कहाँ पे रहता है, सूरत। मैंने बार बार यहाँ पे राम का यूज़ किया है। ठीक है, तो राम क्या है, नाउन है। दोनों सेंटेंस में राम क्या है, नाउन। अब मैंने एक और सेंटेंस लिखा है यहाँ पर, देखिए, राम इज़ अ स्टूडेंट, ही लिव्स इन सूरत। क्या डिफरेंस आपको दिखा इस सेंटेंस में? तो आपको आई थिंक एक ही डिफरेंस दिखा होगा कि यहाँ पे राम था, मैंने राम ही रखा, लेकिन यहाँ पे जो राम था उसको हटा के मैंने ही रख दिया। क्यों? क्योंकि अगर आप पूरा पैराग्राफ लिखेंगे तो उसमें बार बार एक ही नाम लिखेंगे, राम राम राम, तो शायद बहुत ही क्लमजी लैंग्वेज लगेगी। ठीक है, और अच्छा भी नहीं लगेगा। तो उसको सही करने के लिए हमने नाउन की जगह पर कौन सा वर्ड रख दिया, यहाँ पर प्रोनाउन ही रख दिया। ही मतलब क्या है, प्रोनाउन है, और ये राम लड़का है इसीलिए हमने ही रखा है। अगर कोई लड़की का नाम होता तो सी रख दें। देखो पहली बार मैंने क्यों चेंज नहीं किया, अगर ये भी आपके दिमाग में क्वेश्चन आया हो तो मैं आपको बता देता हूँ कि ये नाउन है। अगर पहली बार हमको बताना तो पड़ेगा ना कि राम एक लड़का है, अगर पता ही नहीं होगा तो हम ये प्रोनाउन कैसे रखेंगे, इसीलिए हमने ये पहली बार नहीं चेंज किया। ठीक है, तो प्रोनाउन क्या हो गया, नाउन की जगह पर चेंज करने वाला वर्ड। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम कि कितने प्रकार के प्रोनाउन होते हैं, काइंड्स ऑफ नाउन। तो देख लीजिए यहाँ पे काइंड्स ऑफ प्रोनाउन कितने प्रोनाउन है। तो देख लीजिए टोटल 8 टाइप्स के प्रोनाउन है मैंने यहाँ पे दिखाया है। सबसे पहला प्रोनाउन है पर्सनल प्रोनाउन, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, इनडेफिनेट प्रोनाउन, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन, रेसिप्रोकल प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव और एम्फेटिक प्रोनाउन। ठीक है, टोटल 8 टाइप के प्रोनाउन हमने यहाँ पर सीखने हैं। कौन कौन से है? मैंने आपको लिस्ट बता दी है। ठीक है, वन बाय वन डिटेल में एक्सप्लेनेशन के साथ हम इसको पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा पहला जो प्रोनाउन है उसी को, जिसका नाम है पर्सनल प्रोनाउन। चलो पर्सनल प्रोनाउन कौन से होते हैं मैं आपको अच्छी तरह से समझा देता हूँ। उससे पहले आपको समझना पड़ेगा कि इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर 3 पर्सन आते हैं, अगर आपको पता हो तो, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन। देखो ये पर्सन क्या होते हैं वो मैं आपको समझा देता हूँ। फर्स्ट पर्सन का मतलब होता है स्पीकर, मतलब बोलने वाला, जैसे कि अभी मैं बोल रहा हूँ तो आई क्या हो गया, फर्स्ट पर्सन। अब सेकंड पर्सन क्या होता है, सेकंड पर्सन होता है लिसनर, लिसनर की मतलब कि मैं बोल रहा हूँ वो फर्स्ट पर्सन है, आप सुन रहे हो वो सेकंड पर्सन है क्योंकि आप लिसनर हो। ठीक है, तो सेकंड पर्सन में क्या आ गया, यू। और थर्ड पर्सन कौन होता है, थर्ड पर्सन ये होता है कि जो ये फर्स्ट पर्सन और सेकेंड पर्सन, मतलब आप और मैं किसकी बात कर रहे हैं, वो है थर्ड पर्सन। तो हम किसकी बात कर रहे हैं यहाँ पे, प्रोनाउन की बात करें तो प्रोनाउन हमारा क्या है, थर्ड पर्सन। या हम ये बोले कि ग्रामर की बात करें तो वो हमारा क्या है, थर्ड पर्सन। तो ये होता है फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। और तीनों में नंबर जो हमने पहले चैप्टर पढ़ा है, एक वीडियो मैंने बनाया है नाउन नंबर, वो आप देख लेना, उसमें सिंगुलर और प्लूरल नंबर होते हैं। तो
तो वो भी पढ़ना है। हर एक पर्सन में सिंगुलर और प्लूरल अलग अलग होता है। देखिए फर्स्ट पर्सन में क्या है, सबसे पहले ये देखते हैं हम। तो फर्स्ट पर्सन के अंदर आई, मैंने जैसे बात बताई आपको कि आई होता है वो एक होता है, क्योंकि आई सिंगुलर है, और इसका अगर आई का प्लूरल करें तो क्या बन जाएगा, वी। ठीक है, तो ये हमको समझना है। इससे पहले मैं आपको ऊपर टॉपिक बता दूं कि सब्जेक्ट में अगर देखेंगे तो ये सारे सब्जेक्ट हैं, मतलब कि अगर सेंटेंस बनाएंगे तो ये सारे सब्जेक्ट में यूज़ होंगे, और ये यहाँ पे जो दिए हुए वो ऑब्जेक्ट में यूज़ होने वाले हैं। और ये पजेसिव एडजेक्टिव और पजेसिव प्रोनाउन, पजेसिव एडजेक्टिव और पजेसिव प्रोनाउन का मतलब क्या है वो मैं आपको समझा देता हूँ। पजेसिव का मतलब होता है पोजीशन होना, पोजीशन रखना, मतलब पोजीशन मतलब कि अपनी मालिक ही बताना। ठीक है, कि चलो ये मेरी है या ये आपकी है या तुम्हारी है, इस तरह से। तो पजेसिव एडजेक्टिव एंड पजेसिव प्रोनाउन के बारे में भी आज पढ़ने वाले हैं। तो ये जो सारे मैंने यहाँ पे बॉक्स बनाया है पूरा, ये सारे पर्सनल प्रोनाउन है, इसको हम क्या बोलते हैं, पर्सनल प्रोनाउन। ठीक है, चलिए देखते हैं वन बाय वन। पहले आई के बारे में देखते हैं। तो आई का सब्जेक्ट में अगर यूज करेंगे तो आई होगा, ऑब्जेक्ट में यूज करेंगे तो मी बनेगा। ठीक है, पजेसिव एडजेक्टिव में माई बन जाएगा और पजेसिव प्रोनाउन में माइन बन जाएगा। ऐसे ही आई का हम प्लूरल फॉर्म करेंगे तो वी हो जाएगा। ठीक है, एक से ज़्यादा हो तो वी, मी में से क्या हो जाएगा, अस, तो वी अस आवर एंड आवर्स, ये बनेगा। सेकेंड पर्सन की बात करें तो सेकेंड पर्सन में यू आता है और उसका प्लूरल भी यू ही होता है। ठीक है, तो ये सारे यू आएंगे ऑब्जेक्ट में भी, यहाँ पे भी यू, योर एंड योर्स। ठीक है, ये याद रखना है आपको। एंड थर्ड पर्सन के अंदर क्या होता है, तो थर्ड पर्सन के अंदर तीन चीज़ें होती हैं आपको याद रखना, ही, सी एंड ईट। ही का ये लड़के के लिए यूज होता है, तीनों सिंगुलर है, सी का लड़की के लिए, और ईट जो नॉन लिविंग थिंग्स के लिए। ही का बनाएंगे तो हीम, हीज, हीज। सी का बनाएंगे तो हर, हर, हर्स। ईट का बनाएंगे तो ईट, ईट्स। यहाँ पे मैंने डैश किया है, लेकिन मतलब कोई यूज़ नहीं होता है, अगर फिर भी करना है तो आप ईट्स लगा सकते हो यहाँ पे। और इन तीनों का अगर प्लूरल बनाएंगे तो तीनों का प्लूरल क्या बनेगा, दे। दे का हम देखें तो देम, देयर एंड देयर्स। ठीक है, ये आपको याद रखना। ये सारे क्या हैं, ये सारे हैं पर्सनल प्रोनाउन। इसको कैसे यूज़ करना है तो मैंने पहले ही बता दिया। अगर सब्जेक्ट में हो तो ये वाले यूज़ होंगे, मतलब सबसे पहले सब्जेक्ट में नाउन की तरह यूज़ हो। अगर ऑब्जेक्ट में यूज़ करना है इनको तो ये हमारे चलेंगे मी, अस। पजेसिव एडजेक्टिव में ये वाले चलेंगे और पजेसिव प्रोनाउन में ये वाले। किस तरह से यूज़ करते हैं तो मैं आपको सेंटेंस बना के दिखाता हूँ। चलो देखिए, यहाँ पे मैंने कुछ एग्जांपल दिए हैं, देखो मैंने अच्छे से आप समझना है यहाँ पे, और समझ में भी आ जाएगा कि किस तरह से पर्सनल प्रोनाउन यूज़ करते हैं। सबसे पहले देखिए फर्स्ट सेंटेंस में आई विल हेल्प हर। आई क्या था, सब्जेक्ट, इसलिए मैंने आगे रखा है। देखो इस तरह से आई यूज़ करते हैं। कल्पेश गेव मी अ बुक। सेकेंड सेंटेंस में देखिए मी यूज़ करना था मैंने, मी कहाँ पे होता है हमेशा, ऑब्जेक्ट में, तो देखो मैंने ऑब्जेक्ट में रख दिया इस तरह से। ठीक है, आगे क्या लिखा है, थर्ड नंबर में देखो पजेसिव एडजेक्टिव लिखा मैंने, दिस इज़ माई कार। एंड फोर्थ नंबर का सेंटेंस देखिए, दिस बुक इज़ माइन। ये दोनों सेंटेंस को कंपेयर कीजिए। माय और माइन का बहुत ही माइनर डिफरेंस है और इसमें बहुत सारी मिस्टेक्स भी होती है। माय कब आता है, माइन कब आता है, ये आपको देखना है। तो देखो दिस इज़ माय कार, दिस बुक इज़ माइन। जो माय होता है वो हमेशा नाउन के पहले आएगा। ठीक है, किसके पहले, नाउन के पहले, क्योंकि ये एक एडजेक्टिव है। ठीक है, पजेसिव एडजेक्टिव जो हमने देखा ये, तो माय कब रखना है, नाउन के पहले। और जो माइन है वो सबसे लास्ट में आएगा, मतलब कि जो भी हमारा नाउन होगा उसके पीछे आएगा। देखो बुक हमारा नाउन है, बुक के पीछे क्या आया, माइन। तो माय और माइन का डिफरेंस आपको पता चल गया, क्या डिफरेंस होगा, माय जो है वो नाउन के पहले आएगा और माइन जो है नाउन के बाद में आएगा। इतना डिफरेंस आपको याद रखना है। ठीक है, एग्जाम में पूछे तो आपको ये समझ लेना है। वी का हमने यूज़ किया, वी प्ले क्रिकेट, देखो वी सब्जेक्ट है। दे कॉल अस, दीज आर आवर टीचर, आवर का यूज़ किया, देखो ऑब्जेक्ट में आता है। ठीक है, उसके बाद देखिए तो दीज बेंचेस आर आवर्स, आवर और आवर्स का डिफरेंस मैंने अभी बताया, नाउन के पहले नाउन के बाद वाला। ठीक है, आगे देखिए यू आर माय ब्रदर, यू आर माय ब्रदर, यू सब्जेक्ट में लिया और यू ऑब्जेक्ट में, अगर यू का सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट बने तो भी यू ही होता है, तो वो भी मैंने बता दिया। फिर पजेसिव एडजेक्टिव यहाँ पे देख लीजिए, दैट इज़ योर हाउस, उसके बाद पजेसिव प्रोनाउन, दैट हाउस इज़ योर्स। ठीक है, इसी तरह से अगर हम आगे देखें तो ही प्लेज क्रिकेट, ही का यूज़ बताया मैंने। फिर ही को ऑब्जेक्ट में यूज़ करना है तो हिम बनेगा, आई लाइक हिम। ठीक है, इसी तरह से दिस इज़ हिज गार्डन, ठीक है, हीज़ का यूज़ किया मैंने। सी का बनाएंगे तो सी सेंग वेल, आई लाइक हर। दिस पेंसिल इज़ हर्स, हर और हर्स का मैंने बता दिया अच्छी तरह से, पजेसिव एडजेक्टिव और ऑब्जेक्ट का। ठीक है, उसके बाद अगर हम देखें ईट का यूज़, ईट कैसे यूज़ करते हैं, तो ईट यहाँ पर लिखा हुआ, इट इज़ अ काऊ और द काऊ इज़ सर्चिंग फॉर इट्स फूड, इट्स का यूज़ किया है मैंने। ठीक है, उसके बाद आगे हम देखें आई सैल्यूट देम, और एक ये बीच में बाकी रह गया, दे आर गुड सिंगर, दे का यूज़ किया है।
और देखा ऑब्जेक्ट होता है देम वो कहाँ पे होता है वो आप अच्छी तरह से समझ लीजिए, ठीक है। उसके बाद दीज आर देयर डांसर्स एंड दीज डांसर्स आर देयर्स। देखो जो मैंने बताया था पजेसिव एडजेक्टिव एंड पजेसिव प्रोनाउन, देयर पजेसिव एडजेक्टिव है और इसको यूज़ कब करते हैं नाउन के पहले, और अगर पजेसिव प्रोनाउन है तो नाउन के बाद। इस तरह से आपको यूज़ करना है। आई होप आपको ये हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा, आपको पर्सनल प्रोनाउन अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। आगे का वीडियो हम बनाएंगे आगे के जो टाइप से उसको समझाने के लिए। तब तक के लिए खुश रहिए, पढ़ते रहिए और सुरक्षित रहिए। धन्यवाद।